everyone, welcome back to my YouTube channel Quad Girl. My name is Inderpreet Kaur and I welcome all of you in today's video. So आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं खाना. So I was about to make my first meal. So I thought कि I should record it. तो I was actually thinking कि मुझे day in my life shoot करना है. And then I tried और अभी मेरे पास दो तीन videos बनी पड़ी हैं but they are not good. So I was confused, I should post them or not. So I'm gonna make my meal now. So I am gonna record that. And so आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन का चीला, also called as बेसन के पूरे in पंजाब. तो उसके साथ I'm gonna make my smoothie. So recently मैंने fat loss करना start करा है. So मैं ऐसी diet में हूँ, like something very light, means healthy and बहुत सारे greens and veggies and all of that. So let's start the video without any further ado. सबसे पहले हम लेंगे एक बोल. बोल में हम ऐड करेंगे बेसन. और ध्यान रखिएगा कि जो बोल आप लें वो सफिशेंटली बिग हो, इनफ हो कि जब आप मिक्स करेंगे सब कुछ डालकर तो बाहर ना गिरे. बिकॉज आई टुक अ स्मॉल बोल तो थोड़ा सा इट वॉज टफ. नाउ वी गोना ऐड चॉप्ड टोमेटोज़. ये मैंने काट दी है हरी मिर्च और फ्रेंच बीन्स विद सम स्पिनच एंड कोरिएंडर एंड लॉट्स ऑफ अनियन. ये सब गया इसमें. नाउ वी गोना मिक्स इट ऑल टुगेदर. दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, बाहर गिरता है. नाउ आई एम गोना ऐड 3 tablespoons ऑफ कर्ड एंड सम वाटर टू मिक्स इट ऑल टुगेदर. अच्छे से मिक्स कर लीजिए. आपको धीरे धीरे पानी डालते रहना है कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग. नाउ वी गोना ऐड ऑल द मसाले, नमक, गरम मसाला, जीरा, जवैन. आई ऑल्सो एडेड कोरिएंडर पाउडर. एंड अगर आपके पास चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो हैं आप प्लीज़ वो भी डालिए. आई डिड नॉट हैड, वो ख़त्म हो चुके थे, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. नाउ एडेड टर्मरिक एंड इसे अच्छे से मिक्स करना है और एक पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी, बैटर लाइक कंसिस्टेंसी एक्चुअली होनी चाहिए. अच्छे से मिक्स करके नाउ वी गोना ऐड इट ऑन द तवा. सो आई एम यूजिंग अ नॉन स्टिक तवा. ये थोड़ा ख़राब हो गया है एंड या सो ये ख़राब हो गया है. और अगर आप दूसरा नॉर्मल यूज़ करें तो आपको उसके लिए ऑयल या घी यूज़ करना पड़ेगा. एंड हेयर आई डिड नॉट यूज़ एनी घी और ऑयल. देन आई एम गोना चेंज द साइड और उसको दोनों साइड पे अच्छे से पकाना है. एंड वो बन गया. वैसे ही आप दो तीन और बना लीजिए जितने आपको खाने हैं. और उसके साथ पीने के लिए आई एम मेकिंग दिस स्मूदी. ये है ऑरेंज और स्पिनच, जस्ट टू थिंग्स. सो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, दो ऑरेंज और हैंडफुल ऑफ स्पिनच लेकर उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है. एंड इट्स रेडी टू बी सर्व्ड. कूल. Yep, that's it. अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए ताकि उसमें कोई भी लंप्स या कुछ ऐसा ना हो. Now I'm gonna pour it into a glass. And that's all. Some ketchup, which is actually not healthy. Abhi, I just got done with my meal. I prepared my meal. So the food is ready and I'm gonna eat it now. I'm gonna taste it. So let's see. It's sunny outside, so हम बाहर बैठ के खाना खाएंगे. So my food is ready. It's right here, and I'm gonna eat it. So let's taste it कि कैसा बना है. Hair. एक तो ये बाल. So let's taste it. And there's this girl right here. So she's in the neighborhood, and she come here कि मुझे पढ़ा दीजिए करिएगा अगर आपके पास टाइम फ्री है. सो शी कम एंड देन आई गेट नो टाइम एंड बेचारी, बट आई स्टिल नीड समथिंग. सो आई एम गोना टेस्ट इट. नेहा, कैसा लगा चिल्ला? बोल, इधर बोलो, इधर देख के बोलो, कैसा लगा चिल्ला? ठीक ही लगा. अच्छा नहीं लगा? अच्छा. कितना अच्छा है? बहुत अच्छा. बहुत कितना अच्छा? So let me guess. I love ketchup. I eat it with ketchup. You can eat it
with curd, chai, anything. It's good. This is my favorite part. This smoothie, it's so yum. Like, it doesn't even feel like you're spinach kha rahe ho. It's very good. I'm gonna finish my meal and then I'm gonna leave for my client's workout. So then uske baad I'm gonna go for my workout and that's how my day will end. So I'll end it right here. She's waiting. I have to teach her. And then see you in the next video. Thank you so much.